नमस्कार। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यदि कोई भी जीरो मिल जाए खाली, जीरो इज नोन एज ए जीरो पॉलिनोमियल, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ये एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होती है और इसकी जो सबसे खास बात है कि इसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन क्यों होती है? क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, जीरो को लिखा जाता है जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो हम क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डिग्री होती है ये वाली टर्म होती है, ये आपके पास कोई डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ एक्स रेज टू पावर थाउजेंड की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए इसकी जो आपके पास डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी नॉट डिफाइन। क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो यहाँ पे आपके पास ए बी सी और डी हैं, ये वाली टर्म में कहलाती है कोफिशेंट। ज्यादा से ज्यादा तीन रूट बनेंगे इसके रियल नंबर्स में, उन तीनों रूट्स को या जीरोज को मान लेते हैं कि आपके पास जो इसकी जीरोज बन रही है, पहली जीरो है अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। तीन जीरोज मान ली। अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जीरोज मैंने मानी है इसकी अल्फा बीटा एंड गामा एंड कोफिशेंट। कोफिशेंट्स आपके पास ये वाली टर्म्स होती हैं ए बी सी एंड डी, कि इनमें रिलेशन क्या बनेगा। सबसे पहला रिलेशन आता है मेरे पास, यदि मैं इन तीनों जीरोज का सम करूं तो ये मेरे पास इक्वल टू होगा माइनस बी बाय ए के। यदि हम इनकी जीरोज का दो दो के पेयर्स लें और उनका सम करें अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा सी बाय ए। यहाँ पे प्लस का निशान रहेगा इसके साथ। यदि मैं तीनों का प्रोडक्ट ले लूं अल्फा बीटा और गामा का, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस डी बाय ए। आप ये भी देख सकते हो अल्फा बीटा गामा, जब ये आपके पास सिंगल सिंगल हैं तो माइनस आ रहा है, टू तो प्लस आ रहा है आपके पास, और जब ये आपके पास ओड बन रहा है वन टू थ्री के पेयर्स में बन रहा है तो आपके पास माइनस आ रहा है यहाँ पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन, यदि मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल की तीन जीरोज दे रखे, मान लेते हैं आपके पास थ्री जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, ये गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से आपके पास जो ये पॉलिनोमियल बनेगी पी एक्स, यदि आपके पास तीन जीरोस गिवन हैं तो इनके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देंगे हम पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से आपके पास बनेगी। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशेंट इन ईच केस। सबसे पहले हमें प्रूव करके दिखाना है जो आपके पास ये नंबर्स दे रखे हैं ये इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज होंगी। तो इसके लिए हम पहले इसको मान लेते हैं कि लेट इसको पी एक्स के इक्वल ले लेते हैं, ये आपके पास इसकी जीरोज बनेंगी। यदि मैं एक्स की जगह पहले वन बाई टू रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए जीरो इसकी, पी वन बाई टू, एक्स को रिप्लेस कर देना है वन बाई टू से, एक्स की जगह वन बाई टू रखा, एक्स की जगह यहाँ पे भी वन बाई टू रखा। अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं, ये आपके पास बन रहा है टू, वन बाई टू की पावर थ्री होगा एट, वन बाई फोर माइनस फाइव बाई टू प्लस टू, ये टू से कैंसिल हो रहे हैं तो ये वैल्यू बन गई वन बाई फोर। वैल्यू आई है वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस फाइव बाई टू प्लस टू। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बना है फोर,
यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास प्लस की देखिए क्वांटिटी कितनी हुई, वन और वन टू और एट टेन, और टेन माइनस की तो जीरो बाई फोर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। तो ये इसकी फर्स्ट जीरो बन गई। सेकंड में भी ऐसा ही करेंगे कि यहां से पी वन निकालेंगे, इस वाली पॉलिनोमियल में एक्स की जगह वन इंसर्ट कर देंगे, एक्स को रिप्लेस किया है वन से, सोल्व कर लेते हैं, वन की पावर कितनी भी लें वन ही रहता है, टू प्लस वन माइनस फाइव प्लस टू, तो ये भी आपके पास क्या बन गया जीरो, क्योंकि ये आपके पास फाइव प्लस के फाइव माइनस के। अब थर्ड वाला भी प्रूव करते हैं, पी ऑफ माइनस टू निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल में एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस टू से, एक्स की जगह माइनस टू इंसर्ट कर रहा हूं। अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं, ये वैल्यू बनेगी आपके पास माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन, माइनस टू की पावर टू, यानी माइनस टू को टू बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का फोर, ये आपके पास हो गया प्लस टेन प्लस टू, ये कितने बने सिक्सटीन, और ये माइनस का सिक्सटीन जीरो। तो ये आपके पास तीनों की तीनों इसकी क्या बन गई जीरोज बन गई। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये थ्री रूट्स दे रखे हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा और इसको गामा, जो मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया है अल्फा बीटा एंड गामा। ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो मेरे पास यहाँ से ए की वैल्यू बनेगी टू, बी की वैल्यू आएगी वन, सी की वैल्यू आएगी माइनस फाइव, और डी की वैल्यू आएगी प्लस का टू, यहाँ पे लिख लिए। अब फर्स्ट रिलेशन होता है कि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस बी बाई ए, वेरीफाई कर देते हैं इसे। अल्फा की वैल्यू है वन बाई टू, बीटा की वैल्यू है वन, और गामा की वैल्यू है माइनस टू, इज इक्वल टू आना चाहिए माइनस बी की वैल्यू है वन, ए की वैल्यू है टू के इक्वल। सोल्व कर लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड में वन बाई टू माइनस वन इक्वल टू यही रहेगी, इसका एलसीएम लेते हैं वन माइनस टू, तो ये बन गई माइनस वन बाय टू। तो क्लियरली हमारे पास ये माइनस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू इक्वल है। ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होंगे यदि आपके पास कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे है। सेकेंड वाला रिलेशन होता है हमारे पास इसके अंदर कि यदि हम टू टू का प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास सी बाय ए, इनकी वैल्यू रखते हैं अल्फा की वैल्यू है वन बाय टू, बीटा की वैल्यू है वन, बीटा की वैल्यू वन, गामा की वैल्यू माइनस टू, गामा की वैल्यू माइनस टू, और अल्फा की वैल्यू है वन बाय टू, इक्वल टू आना चाहिए सी, सी की वैल्यू है माइनस फाइव बाय ए की वैल्यू है टू। इसको सोल्व कर देते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ये बना वन बाय टू माइनस टू, ये टू से टू कैंसिल होगा माइनस वन, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास वन बाय टू माइनस थ्री बाय वन ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं वन माइनस सिक्स, तो ये बचा माइनस फाइव बाय टू, राइट हैंड साइड में माइनस फाइव बाय टू लिख दीजिए, तो ये आपके पास ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड जो हमारे पास इसके अंदर रिलेशन होता है, थर्ड रिलेशन होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा माइनस डी बाय ए के इक्वल। देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है वन बाय टू, बीटा की वन, और गामा की वैल्यू है माइनस टू, इक्वल टू आना चाहिए माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू, ए की वैल्यू है टू, आना चाहिए हमारे पास ये माइनस वन के इक्वल। देख लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, तो ये आपके पास रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ये वाले नंबर्स इसकी जीरोज हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं ये पी एक्स है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है। यहाँ से कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू आएगी माइनस फोर, सी की वैल्यू आएगी फाइव, और डी की वैल्यू आएगी
माइनस टू। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके अंदर पहले x की जगह रखेंगे टू, तो ये बनेगा मेरे पास p ऑफ टू। इसके अंदर x को रिप्लेस कर देंगे टू से, जहां पे भी x नजर आएगा उसकी जगह हम टू रख देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी दिस। इसे सोल्व कर लेंगे और दिखा देंगे कि ये मेरे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये बन गया आपके पास माइनस के 18 प्लस के 18, तो ये वैल्यू आ गई जीरो। इसी तरह वन इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो पी ऑफ वन, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन रख देंगे, इसको सोल्व करते हैं, ये बना माइनस का सिक्स और ये प्लस का सिक्स, कैंसल आउट होने के बाद जीरो आ जाएगा। थर्ड भी वन दे रखा है, इसको दोबारा रख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास जीरो बन गया। अब हम यहां से वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि ये वेरीफाई करेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। यहां से मैंने इन तीनों रूट्स को मान लिया, एक को अल्फा, बीटा, गामा, और ये एबीसीडी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। तो जो मेरे पास इसके अंदर फर्स्ट रिलेशन होता है, फर्स्ट रिलेशन आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू रखते हैं टू, बीटा की वैल्यू वन, गामा की वैल्यू वन, माइनस बी की वैल्यू है माइनस फोर बाय वन। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि फोर इज इक्वल टू फोर। सेकेंड जो इसका रिलेशन होता है कि यदि मैं टू टू के पेयर में लूं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होगा सी बाय ए। वैल्यू रखते हैं ये है टू, वन, 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 गामा की वैल्यू है वन, अल्फा की वैल्यू है टू, इक्वल टू आना चाहिए सी, सी की वैल्यू है फाइव, ए की वैल्यू है वन। ये होगा टू वन टू, क्लियरली फाइव इज इक्वल टू फाइव। जो हमारे पास थर्ड रिलेशन होता है इसके अंदर, ये होता है मेरे पास कि यदि मैं तीनों का प्रोडक्ट रूट का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होगा माइनस डी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है टू वन वन, डी की वैल्यू है माइनस टू माइनस माइनस टू, ए की वैल्यू है वन, इनको प्रोडक्ट करते हैं तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जहां पे सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दे रखा है टू माइनस सेवन एंड माइनस फोर्टीन। तो यहां से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस वाली पॉलिनोमियल के जो मेरे पास रूट बनेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीन रूट्स बनेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो मेरे पास दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू टू दे रखा है। जब हम दो दो के पेयर्स लेते हैं तो माइनस सेवन दे रखा है, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस सेवन, और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू है माइनस फोर्टीन। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसके अंदर बस हमें वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस, इसका सम है मेरे पास टू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है मेरे पास माइनस सेवन एक्स, और इस वाली टर्म की वैल्यू है मेरे पास माइनस फोर्टीन। तो ये माइनस माइनस प्लस फोर्टीन हो जाएगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री में इफ जीरो जो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल की जीरो दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तीन जीरो होंगी, इसलिए मैंने मान लिया इन जीरो को, एक को अल्फा, दूसरी को बीटा और तीसरी वाली को गामा।
इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखा, इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर किया, तो मेरे पास इसके कोफिशिएंट जो आएंगे, ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। तो हमें यहाँ से ए और बी निकालना है। हमें पता है कि इसके रूट्स में और जीरोज में रिलेशन क्या होते हैं। एक तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ से एक ए बी में इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। रखते हैं वैल्यू, तो ये होगा मेरे पास अल्फा की वैल्यू है a-b प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -3/a की वैल्यू है 1। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बना यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आई मेरे पास 1। इसी तरह हमारे पास दो रिलेशन होते हैं रूट्स में और इसमें, हम क्या कहते हैं थर्ड वाला रिलेशन ले लेते हैं। थर्ड वाला रिलेशन कहता है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है हमारे पास -d/a। वैल्यू इंसर्ट करते देते हैं यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास a-b, बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a+b, -d की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू a की वैल्यू भी है 1, तो ये आ जाए 1/1, 1 ही होगा। इन्हें यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, यहाँ पे a की वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो ये बना 1-b 1+b इज इक्वल टू -1। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन यही रहेगी 1-b 1+b इज इक्वल टू -1। तो ये 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है a-b a+b इज इक्वल टू होता है a²-b²। इन वैल्यूज को क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इस तरफ ले चलते हैं, तो ये होगी 1, ये भी इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू b², तो 2 इज इक्वल टू b², तो b इज इक्वल टू क्या आ गया +√2। अब देख लेते हैं कि मेरे पास जो एक और रिलेशन होता है b, उसे भी यूज कर लेते हैं। वो रिलेशन कहता है हमें कि यदि मैं रूट्स को 2-2 के पेयर्स में लूं, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू होगा हमारे पास c/a। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं अल्फा बीटा गामा की और देखते हैं कि यहाँ से b की वैल्यूज क्या बनेगी। अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास a-b, बीटा की a और गामा की a+b। अल्फा की जगह रखते हैं a-b, बीटा की जगह रखते हैं a। ये सभी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पुट कर दिया a की जगह 1, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1, तो a की जगह यहाँ पे 1 रखा। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, ये b से b कट रहा है, तो ये वैल्यू बनी 1, 1 और 1, हो गया 3। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3-1 2। b² को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं b², तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी +√2। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या पेयर बनेंगे आंसर में, एक पेयर हो सकता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या हो √2। दूसरा पेयर हो सकता है कि a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू -√2। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसकी 2 जीरोज दे रखे हैं, ये एक तो होगी 2+√3 और दूसरी होगी 2-√3। इसे हमने px मान लिया है, इसके अंदर पहले चेक करें कोई टर्म तो मिसिंग नहीं है, 4, 3, 2, 1 कंप्लीट है। 2 जीरोज दे रखी है, एक ये है एक ये है। इन जीरोज से क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं जो इसके रूट्स बनेंगे। ये होगा x- ये वाली टर्म 2+√3 और दूसरा जो इसका ये बनेगा x-2-√3, क्योंकि ये इसके रूट हैं, तो ये वाले इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना कि x इज इक्वल टू दिस,
तो ये वाली टर्म लेफ्ट में लेके आएंगे तो x माइनस बनेगी। इसी तरह ये भी इसका रूट है तो ये x इज इक्वल टू लिखा जाएगा, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये x माइनस दिस टर्म बनेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। इसे कर लेते हैं, ये होगा x माइनस टू माइनस रूट थ्री, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस टू माइनस माइनस बन जाएगा प्लस रूट थ्री। इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी का, तो x माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस पी एक्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास पहले क्या है, मुझे चाहिए x की पावर फोर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इनके निशान चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। इसके बाद मुझे माइनस टू एक्स क्यूब चाहिए, तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ये आपके पास इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अगर आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं बचता हो, कहीं पे आपने मिस्टेक किया कैलकुलेशन करने में, ये आपके पास वैल्यू बनेगी माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव। तो माइनस थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये बनेगा माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव, इनके सभी के निशान चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद रिमाइंडर आपके पास जीरो आ गया। डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास बना है पी एक्स, ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दी, जी एक्स है आपके पास ये टर्म, क्यू एक्स है आपके पास ये वाली टर्म, रिमाइंडर यहाँ बन रहा था जीरो। इसके बाद क्या करते हैं हम कि हमें इस वाली टर्म के और फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर तो हमें दे ही रखे हैं शुरू में, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करके तो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी। अब इस वाली टर्म के फैक्टर और निकाल देते हैं, यानी आपके पास जो यहाँ पे कोसेंट आया, इस कोसेंट के फैक्टर और निकालने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया मेरे पास माइनस थर्टी फाइव, यानी आपको माइनस टू को ऐसे टू नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस टू बनना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे आपके पास थर्टी फाइव आना चाहिए। तो नंबर होंगे सेवन एंड फाइव, थर्टी फाइव आ रहे हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो टू बच रहा है। माइनस के सेवन लेंगे क्योंकि हमें माइनस की क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे, प्लस के फाइव एक्स, या इन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा तो x माइनस सेवन, इसमें से 5 कॉमन लेंगे x माइनस फाइव, यहाँ से फिर x माइनस सेवन को कॉमन लिया तो बचाइए x प्लस फाइव। और इसके जीरोज निकालने के लिए इस नंबर को भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और इस सेकंड वाले को भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो ये आ गया सेवन और ये बना माइनस फाइव। तो पॉलिनोमियल पी एक्स की अदर जीरोज होंगी सेवन एंड माइनस फाइव। सेम वे पे आप एग्जाम्पल नंबर नाइन भी कर सकते हो, इसके अंदर लिखा है कि आपको इसकी सभी जीरोज फाइंड आउट करनी है, टू जीरोज दे रखी हैं ये। तो पहले यहाँ से एक क्या करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे, वो कैसे बनेगी, एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट, ये हो गया एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से इस वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे
और जो आपके पास यहाँ पे कोसेंट बनेगा, कोसेंट के अगेंस्ट से फैक्टर कर लेंगे। डिवाइड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि डिवाइड करने के बाद जो आपके पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो जीरो आएगा। जीरो नहीं आ रहा तो आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, उसे दोबारा से चेक कीजिए और फिर इस जो आपके पास कोसेंट आया इस कोसेंट के दो फैक्टर निकाल दीजिए, तो आपके पास यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगी कोसेंट से। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपके पास एक्स प्लस ए आएगा। तो पहले इसे डिवाइड कर देते हैं इस पॉलिनोमियल से, तो मुझे यहाँ चाहिए एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टर्म आएंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। निशान चेंज कर देते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू बचेगी माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। उसके बाद मुझे माइनस 4x क्यूब चाहिए स्क्वायर यहाँ पे, तो x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास टर्म आएगी माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। इसकी मल्टीप्लाई k से करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4kx। इनके निशान चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस का है, 4k माइनस 25x प्लस 10। इसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 माइनस के से, 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स प्लस 8 माइनस के इंटू के। इनके निशान चेंज कर लेते हैं और इनको अब एडअप कर देते हैं, एडअप करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 2k माइनस 9 एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। अब मेरे पास यहाँ दे रखा है कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, x प्लस ए, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे कि जो मेरे पास ये रिमाइंडर आया है ये इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू होगा मेरे पास x प्लस ए के। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, इसका कोफिशेंट कंपेयर करें, इसका कोफिशेंट कितना है 1 और इसका कोफिशेंट कितना है ये, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 9 और दूसरी इक्वेशन आएगी ये a किसके इक्वल होगा इस कॉन्स्टेंट टर्म के, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। तो पहले इसको सोल्व करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, ये इधर आएगा 10, 2 से डिवाइड होगा 5, तो k की वैल्यू आ गई 5। k की वैल्यू 5 को पुट कर देंगे आप इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली इक्वेशन से क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, a इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5, k की जगह 5 रख रहा हूँ जी बस। तो यहाँ से आपके पास इसको सोल्व करने बाद a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो गया आपके पास 3 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 प्लस 10, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 5, तो a की वैल्यू होगी माइनस 5 और k की वैल्यू आएगी आपके पास 5। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।